हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक ट्रू फ्रेंड्स में। आज मैं आपको एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए, और चलिए उसको शुरू करते हैं। तो ये अनबॉक्सिंग वीडियो एक मिनी सिलाई मशीन की, जो कि बहुत पोर्टेबल है, छोटी ही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पेटीएम से ऑर्डर किया है, देखिए पेटीएम से मैंने खोल रखा है। और अब इसको ओपन करते हैं। ऐसे तो मैं इसको पहले ही खोल चुका हूँ, लेकिन आपको ऐसे दिखा रहा हूँ कि ये वो मिनी मशीन है, सिलाई मशीन। और ये इसके साथ कुछ एक्सेसरीज हैं, इसके इंस्ट्रक्शन बुक है, कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे नहीं, इसमें सब कुछ लिख रखा है। चलिए इसे साइड में कर देते हैं। ये इसके साथ कुछ और आइटम दे रखे हैं, इसका तो मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट। हाँ, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर पता है, जो कि जो ये रुपए जैसा दिख रहा है, ऐसे रुपए जैसा, रुपए तो नहीं है ये, है धागा सुई में डालने के लिए। चलिए मैं आपको इसके भी बताऊंगा किस चीज़ में यूज़ आता है। इसको एक बार साइड में रख दीजिए, बॉक्स को फेंक दीजिए। और ये देखिए दोस्तों, मिनी सिलाई मशीन, आगे पीछे से इस पे कुछ लिख रखा है, ये तो वैसे ही है। चलिए दोस्तों इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, ये ऐसे काम की चीज़ तो बहुत है, लेकिन ये देखते हैं कामयाब रहती है या नहीं रहती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये वीडियो पहली बार फर्स्ट टाइम पे नहीं लेके आ रहा हूँ, मैं ये वीडियो तब बना रहा हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ, और मैं आज इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही बताऊँगा। तो यहाँ से देखें दोस्तों, ये जो धागा है, ये हाथ में नहीं आ रहा, ये जो धागा है, ये धागा डालते हैं, जैसे इसकी सुई नहीं है, मैंने सुई नहीं डाल रखी, मैंने सुई हटा दी थी इसकी, दरअसल वो सुई मैंने तोड़ दी थी यूज़ करते वक्त। तो दोस्तों ये छोटी सी सिलाई मशीन है, और ये ऐसे पकड़ी जाती है, और सिलाई मशीन के लिए पूरा इसको नीचे तक ऐसे पूरा दबाना पड़ता है दोस्तों। वैसे ये यूज़फुल नहीं है, मैंने यूज़ करके देखी है इसको, 10-15 दिन यूज़ करने के बाद मैं आपको इसके बारे में रिव्यूज़ दे रहा हूँ कि ये धागा वैसे यहाँ से डलता है, यहाँ से डलने के बाद यहाँ से जाता है, और फिर यहाँ से सुई में जाके नीचे से लेके यहाँ पर लगाते हैं। लेकिन दोस्तों इसका, ये जो मशीन है, ये कोई फ़ायदेमंद नहीं है। मैंने इसको यूज़ करके देखा, तो मैंने इसके एडवांटेज तो यही है, ये पोर्टेबल है, आसानी से आप कहीं भी ले जा सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और छोटे से छोटा बच्चा इसको, वैसे जैसे हॉस्टल बॉय है, हम जैसे बच्चे हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा कामयाब इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो ये पकड़ के ऐसे रखनी पड़ती, बार बार दबानी पड़ती, इससे जो स्ट्रेस, जो भी आप सिलाई कर रहे होते हो, इससे जो सिलाई कर रहे होते हो वो अच्छी नहीं हो पाती, टेढ़ी मेढ़ी जाती है, एक्सपर्ट से भी टेढ़ी मेढ़ी जाती है, हम जैसे से तो जानी है। और दूसरी इसकी डिसएडवांटेज ये है कि देखो, ये अलग हो जाती है, यहाँ से दिक्कत आती है, फिर जब सिलाई ऐसे करते हैं हम, तो ऐसे ऊपर जाती है, तो ये अलग हो जाती है। और सबसे मेजर प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो ये इसका ये वाला हिस्सा है, ये थोड़े ही दिन में ख़राब हो जाता है। मेन वर्क इसी का है, जब ये नीचे जाता है सुई से, धागा इसमें अटकता है, अटकने के बाद वो सिलाई की प्रोसेस शुरू होती है, लेकिन 10-15 दिन यूज़ करने के बाद ये ख़राब हो जाता है। ये ख़राब होने के बाद इसका कोई भी यूज़ नहीं बचता, ये बिल्कुल फिर तो एक खिलौना ही बच जाता है। तो दोस्तों वैसे तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन मेरी राय माने तो इसे मत खरीदिएगा, पैसे वेस्ट होंगे आपके, कोई काम की चीज़ तो है नहीं ये। दिखने दिखने में अच्छी है, पोर्टेबल है, खिलौने के बच्चों के लिए भी ऐसे रख ले। तो दोस्तों ये कोई ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, मैं आपको सपोर्ट नहीं करूँगा कि ये आप खरीदिए। और जो इसके साथ ये एक्सेसरीज है, यहाँ पर सुई होती है, सुई से ऐसे खींचने के लिए है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे और उनका रिव्यूज़ देते रहेंगे। तो दोस्तों, आप इस मशीन छोटी ही है वैसे खुश हो सकते हैं, आपको देखने में आपको खुश कर सकती है, लेकिन काम की मशीन नहीं है बिल्कुल भी। तो आप बिल्कुल भी इसे मत खरीदिएगा। ओके।